गुड मॉर्निंग गाइस। ये हुलिया बनाने का मतलब है कि यहाँ पे भयंकर ठंड है, मतलब अल्टीमेट लेवल का ठंड है यहाँ पे। और हम लोग आज स्टे कर रहे थे इस जगह में, इस टेंट हाउस में। और चलिए आपको बाहर का नज़ारा चेक करवाते हैं। आज हम लोग शायद घर पहुँच जाएंगे, यहाँ से ट्राई करेंगे घर जाने की। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, वहाँ से नदी बह रहा है ये देखो। कल रात को तो कुछ दिखा नहीं पाए थे, देखिए अभी थोड़ा एक टाइम लैप्स बैठाएंगे मॉर्निंग का। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं इस जगह से, शांति वैली का। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज निलिप्त एंड यू आर वाचिंग 365 डेज इन माउंटेन्स। आप देख रहे हैं अरुणाचल, विंटर अरुणाचल का सीरीज। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हो गाइस। यार हमको तो बहुत मज़ा आया, हम तो फिर से आएंगे यहाँ पे, एक और बार तो ज़रूर आएंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं सीधा घर। यहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर से। तो अभी बज रहे सुबह के और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है अरुणाचल, मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं है जितना हम लोग मैंने आइडिया किया था। मेरे पास सारा हिसाब है, मैं घर जाके सारा डिटेल्स आपको दे दूंगा इस। तो चलिए आज बस बाइक ही चलाना है सारा दिन, तो उतना कुछ तो बात नहीं होगा, कुछ अच्छा जगह मिलेगा तो दिखाएंगे। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धीरंग, विजिट अगेन, Obviously we'll visit again। और यहाँ पे एक और वैली है वहाँ पे नीचे। सो यहाँ से गुवाहाटी है 371, बालीपारा 173, भालुकपोंग 137, बूमडीला 36। तो हम लोग बूमडीला क्रॉस करके टेंगा मार्केट होके हम लोग शेरगांव वाला रास्ता पकड़ेंगे। और रास्ता ऐसा अच्छा है तो हम लोग थोड़ा जल्दी चलाएंगे। तो चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे,
कोई अच्छा जगह मिलेगा तो दिखा देंगे बस। और आज हम लोग एक दूसरा रास्ता लेंगे, बहुत खूबसूरत सा टाउन है। उस दिन तो पूरा फॉग था तो कुछ दिखा नहीं पाए, लेकिन आज बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है, ये एक स्टेडियम है यहाँ का। सो गाइस अभी हम लोग पोमडीला क्रॉस कर चुके हैं और पहाड़ों से पूरी, मेरा बापी भाई तो बहुत आगे चले गए, मैं पेट्रोल भर रहा था बाइक में, वो बहुत आगे निकल गए। सो अभी हम लोग है टेंगा वैली में, मतलब टेंगा वैली क्रॉस कर रहे हैं और हम लोगों का रास्ता शायद यहाँ से अलग हो जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे रास्ता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शेरगांव यहाँ से 27 किलोमीटर, रूपा 2 किलोमीटर। हम लोग शायद रूपा से अलग हो जाएंगे, टेंगा नहीं पहुँचेंगे हम लोग, रूपा से हम लोग अलग रास्ते ले लेंगे शायद। तो गाइस यहाँ से जिगांव है 10 किलोमीटर, शेरगांव 24, कालाथंग 59, अंकलिन बालमो गुवाहाटी 312। और ये जगह देखो बस, क्या खूबसूरत जगह है भाई, क्या खूबसूरत जगह है अरुणाचल। इस तो ये अनटच्ड है भाई, आज तक मैंने ऐसा जगह मतलब अरुणाचल का कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जहाँ पे ये सब देख सकता है, दिख रहा है। मतलब ये एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है अरुणाचल, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना ये जगह, देखिए बस आप एक बार। और रास्ता तो भाई मतलब क्या कहने भाई, हैट्स ऑफ टू बीआरओ, क्या रास्ता बना के दिया है भाई। वैली देख रहे हो, मतलब अल्टीमेट है गाइस। नेक्स्ट टाइम जब अरुणाचल आऊँगा तो मतलब एटलीस्ट 8-10 दिन का, तो 10 दिन का तो मिनिमम प्लान लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे टेंगा वैली भी एक्सप्लोर करना है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जस्ट लुक एट द व्यूज। आ मैन, दिस इज लद्दाख मैन, दिस इज टोटली लद्दाख भाई साहब, मतलब जन्नत है यार, ये जन्नत है गाइस। ओ हो, और शायद कोई गांव आ गया है यहाँ पे। शेरगांव 4 किलोमीटर है बस यहाँ से। वेलकम्स यू इन शेरगांव भाई,
सबसे बढ़िया जगह है भाई, यहाँ पे तो विजिट करना ही है भाई। नेक्स्ट टाइम अलीपुर से शेरगांव आएंगे, शेरगांव से दिरांग जाएंगे, यही करना है। आज अगर हमको घर नहीं पहुंचना होता तो आई विल स्टे समवेयर इन हेयर, मैं यहाँ पे कहीं रुक जाता और मतलब क्या ड्रोन शॉट्स आते हैं, मैं खुद सोच रहा हूँ भाई। शिट मैन, अरे देख रहे हैं हम लोग अभी एक टी ब्रेक लिए, एक घंटा में हम लोग, एक घंटा नहीं ऑलमोस्ट दो ढाई घंटा में हम लोग ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर चला लिया बाइक। और अभी हम लोग यहाँ पे चाय खाएंगे, चाय पीने के बाद फिर से राइड शुरू करेंगे और थोड़ा ब्रेक पैड्स को भी थोड़ा रेस्ट देना है क्योंकि खाना भाई लीकर के लिए बहुत हालत ख़राब हो गई अभी। ये देखिए चाय, और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, लाल चाय नहीं वो मिल्क टी है दीजिए, गरम चाय पीते हैं। कहाँ से उतर रहे हैं गूगल खुद भी नहीं बोल पा रहा है, साइड दिख रहा है मैं आपका। और हम लोग ऑलमोस्ट आसाम बॉर्डर पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो पहाड़ देख रहे हो ये सारा भूटान है एकदम, मतलब रास्ता भी कई कई जगह से भूटान से लग रहा है, ऐसा जगह से हम लोग जा रहे हैं। ये कोई ब्रिज है या डैम है शायद, वैसा ही कुछ लग रहा है। हैं हम तो अभी सर वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। हाँ सर, सर रास्ता कौन सा है, मतलब ये वाला रास्ता अच्छा है या वो वाला रास्ता अच्छा है? ये वाला ही अच्छा है ना सर? थैंक यू, थैंक यू सर। हम लोग NH 27 में आ गए हैं, हाईवे में आ गए हैं, मेन हाईवे जो होता है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं, घर से बस 210 किलोमीटर दूरी है, अभी दिखा रहा है 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, 8 से पहले ही पहुँच जाएंगे शायद, ज़्यादा दूर तो है नहीं। बिरयानी हाउस में ही रुक गए हम, तो हम लोगों का खाना आ गया है। ये मेरा बिरयानी है, यहाँ पे एंजॉय भाई का ब्लॉग चल रहा है। चलिए हम खाना खा के बात करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बॉम्बे का क्रॉस कर चुके हैं और करीब 106 किलोमीटर बचा है, 120 किलोमीटर चला चुके हैं हम लोग और जा रहे हैं देखते हैं। उस हिमालयन का, मेरे साथ जो हिमालयन था उसका बैटरी डाउन हो गया, तब इसको स्टार्ट करेंगे फिर जाएंगे घर। इससे बढ़िया बाइक नहीं होता है हिमालयन, मतलब भाई आज तक जितना भी ट्रिप्स में मेरे साथ हिमालयन गया है किसी ना किसी हिमालयन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया ही है। इस बार अरुणाचल के ट्रिप में जो हिमालयन था उसका बैटरी डाउन हो गया 500 किलोमीटर चलाने के बाद, मतलब क्या बोले भाई, कुछ नहीं बोल सकते भाई, हिमालयन का कोई भरोसा नहीं है भाई, कहाँ क्या खराब हो जाए इसका।
फिर जंप स्टार्ट से मेरे इस गाड़ी से जंप स्टार्ट करके उसका स्टार्ट किया। DS6 हिमालयन भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई हिमालयन के साथ।